आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल यमी एंड माउथ वाटरिंग चिकन करी की रेसिपी, वो भी 30 मिनट्स में। इफ़ आपने इसे एक बार मेरे बताए तरीके से बना लिया, देन आई डैम श्योर आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे एंड आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। Hello everyone, I am Esma. Welcome back to my YouTube channel Esma's Kitchen. Today I came with a new recipe and I hope you will like it. And if you like my video, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Esma's Kitchen. So without any wasting on time, let's get started. चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ 500 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल से चिकन का टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके 20 to 30 मिनट साइड में रख देंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 4 लौंग, 2 ड्राई रेड चिली, 2 ग्रीन इलायची और एक चक्रफूल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें सारे खड़े मसालों को ऐड कर देंगे। इसे फ्यू सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब स्टेज पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक डालेंगे। मैंने इसे रफली चॉप्ड किया है। इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। वन मिनट हो गए हैं, अब इसमें 2 मीडियम साइज रफली चॉप प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। देन गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। यहाँ आप देख सकते हो कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब स्टेज पर 1 मीडियम साइज टमाटो ऐड करेंगे। मैंने इसे रफली चॉप्ड किया है। इसे एक बार स्टर कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, सोरे टमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब लिड हटा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब स्टेज पर इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्स को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्स ठंडा हो गया है, अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब मिक्स में 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने गैस पर पैन गर्म होने रख दिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप इसके प्लेस पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। ऑयल से अच्छी हीट आ रही है, अब इसमें मैरिनेट चिकन ऐड करेंगे। अब इसे हम 1 साइड से 3 to 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, चिकन को फ्लिप कर लेंगे।
यहाँ आप देख सकते हो कि चिकन बोथ साइड से कुक हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड वेज के चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे। जीरा क्रेक हो गया है, अब इस तेज़पत्ते में मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें प्रिपेयर पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। मैंने जार में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। अब इस स्टेज पर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि मसाला ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ, सो रेड मसाला चले ना। मसाला रेडी हो चुका है, अब स्टेज ऑफ फ्राइड चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए चिकन मसालों के साथ अच्छे से कोट हो गए हैं। अब स्टेज पर ग्रेवी के अकॉर्डिंग बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2.5 कप वाटर यूज किया है। एक बार स्टर कर लेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब लिड हटाकर चेक कर लेंगे। वाओ, यहाँ आप देख सकते हो कि करी ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें चॉप धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन करी रेडी हो चुका है, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो गाइस, रेडी है हमारी सुपर टेस्टी माउथ वाटरिंग चिकन करी की रेसिपी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें एंड अपनी फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर दें। देन गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रेस्मास किचन। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो डेट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज। आई विल वेक विद इन द रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।